अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वसी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वसी एम जी। दोस्तों, जैसा कि आपने टाइटल देख ही लिया होगा कि मैंने आज आपको 10 ऐसे बिजनेसेस आइडियाज़ के बारे में बताना है कि जो कि कम अमाउंट में शुरू हो सकते हैं और उसको एक आम आदमी, एक मिडिल क्लास आदमी भी शुरू कर सकता है और जो अमीर आदमी है जिसके पास चंद अच्छे पैसे हैं उसके लिए तो ये बेहतरीन आइडियाज़ हैं, वो अपने बिजनेस को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर सकता है। तो इन सब दोस्तों के लिए जो कतर में आके बिज़नेस करना चाहते हैं, जो कतर में रह रहे हैं और रहते हुए ही बिज़नेस करना चाहते हैं, उन सब लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा और अपने सब दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। अच्छा दोस्तों, इस वीडियो का टॉपिक, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको ऐसे 10 बिजनेसेस बताने वाला हूं कि जो आप कम अमाउंट में कर सकते हैं। अब पहला सवाल आप लोगों का ये होगा कि ये कम अमाउंट कितनी होनी चाहिए। चले हम शुरू कर लेते हैं एक रफ एस्टीमेट के कतरी एक लाख रियाल अगर आप लोगों के पास है, जो कि पाकिस्तानी रुपीज में अगर कन्वर्ट करें तो आज की करेंसी रेट के हिसाब से तकरीबन 75 या 76 लैक्स, यानी कि 75 या 76 लाख रुपए बनते हैं। इंडिया की करेंसी में ये कम से कम भी 25 या 26 लाख रुपए बनते हैं। तो अगर 1 लाख रियाल आप लोगों के पास है कतर में रहते हुए या पाकिस्तान में रहते हुए या इंडिया में रहते हुए, तो आप वो 1 लाख रियाल कतर में लाके इन्वेस्ट करके कौन कौन से बिजनेस कर सकते हैं और उस पर आपकी अर्निंग कितनी होगी। तो सबसे पहला जो बिजनेस है वो आप ये कर सकते हैं कि आप गोश्त का बिजनेस कर सकते हैं। ये छोटा बिजनेस है। जो लोग पहले से इंडिया में, पाकिस्तान में गोश्त का कारोबार कर रहे हैं और वो मतलब उनके स्लॉटर हाउसेस के साथ कांटेक्ट होते हैं, फिर वहाँ से वो बकरे या गाय या भैंस या जिसका भी गोश्त है वो लेके और फिर वो मार्केट में जाके बेचते हैं और पैसा कमाते हैं। अगर वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करके कतर में लाना चाहते हैं तो इसमें एक अच्छा खासा मुनाफा है। सिर्फ आपने CR यानी कि कमर्शियल रजिस्ट्रेशन और चंद डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं। 4 से 5 हज़ार में आपका कोई भी बिजनेस खड़ा हो जाता है, लीगली स्टेबल हो जाता है। उसके बाद आपने दुकान लेनी है और ये गोश्त का कारोबार शुरू कर देना। अगर आप इंडिया पाकिस्तान से गोश्त मंगवा के यहाँ बेचेंगे तो आपका मार्जिन जो है, प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा है, अप्रॉक्सीमेटली 50% से भी ज़्यादा है। तो एक तो पहला कारोबार आप लोगों के लिए ये हो गया। दूसरा बिजनेस है उन लोगों के लिए कि जो कि पेंट का काम जानते हैं, जो कि घर की वाइट वॉशिंग या रोड्स पे जो मतलब दीवारें हैं उनकी वाइट वॉशिंग या जो भी वाइट वॉश का काम होता है जिसमें पेंट आ जाता है, जिसमें पाकिस्तान में जैसे चूना कहते हैं, चूना आ जाता है, डिस्टेम्पर, तो हाई एमोलेशन, लो एमोलेशन, ये तमाम चीज, जो इस चीज़ को जानता है, जो एक स्किल्ड लेबर है, स्किल्ड वर्कर है और उसके पास कोई पैसा भी है, अगर पैसा नहीं है तो इन्वेस्टर भी है, तो वो भी अगर 1 लाख रियाल तो उसके लिए ज़्यादा होंगे, वो अगर 60-70 हज़ार रियाल या 50 हज़ार रियाल भी कर लेता है, उसमें 3 या 4 आदमी जो है वो हायर करता है वर्कर्स अपने साथ और पेंट का बिजनेस, पेंट का कारोबार शुरू कर देता है कि काम लेके लोगों के घरों को पेंट करना वो, और उसके अलावा जैसे लोगों के यहाँ विलाज होते हैं, फिर बिल्डिंग्स होती हैं, तो उसमें अगर वो छोटे छोटे काम भी पकड़ता है तब भी वो मंथली तमाम जो उसके 3-4 बंदे हैं उनको सैलरीज देने के बाद भी वो कम से कम भी एक नॉर्मल एस्टीमेट के मुताबिक 8 से 10 हज़ार बचा सकता है। मगर उसका इस काम में एक्सपीरियंस होना चाहिए ताकि वो एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करते हुए अपने इस काम के लिए काम भी पकड़ सके, बिजनेस भी पकड़ सके। और अगला मेरा आइडिया है वो है ट्रांसलेशन का बिजनेस। वो लोग जो पढ़े लिखे हैं पाकिस्तान में, इंडिया में या जो पहले से ही कतर में हैं, वो लोग पढ़े लिखे जो हैं वो ट्रांसलेशन की जो है ना वो एक शॉप बना सकते हैं। तो ट्रांसलेशन, अगर आपको अरबिक आती है, अगर आप अरबिक में पढ़े हुए हैं, अगर आपने अरबिक का कोर्स किया, जैसे पाकिस्तान में अक्सर बहुत सारे तलबा हैं जो कि दीनी मदारस में पढ़ते हैं, तो वो वहाँ से अगर वो पढ़े हैं, वहाँ से उन्होंने डिग्री ली है, तो अरबिक उनको आती होगी। तो यहाँ आके वो अरबिक ट्रांसलेशन की एक छोटी सी कंपनी यानी शॉप खोल सकते हैं, बना सकते हैं और उस पर वो कम से कम भी अर्निंग करें तो उनको 5 से 7 हज़ार का एक रफ एस्टीमेट की इनकम तो वो लिख के ले ही लें। मगर डिपेंड करता है कि उनका भी एक्सपीरियंस होना चाहिए, उनकी भी ट्रांसलेशन में परफेक्शन होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स,
इसके अलावा लीगल डॉक्यूमेंट्स तमाम इंग्लिश से अरबी में ट्रांसलेट होते हैं और फिर इसी तरह अरबी से इंग्लिश में भी ट्रांसलेट होते हैं। इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कॉर्न का बिजनेस। कॉर्न यानी कि मकई, आप मकई के दाने लेते हैं और लेके उसकी उसको एक मशीन मिलती है इस मकई के दानों के लिए और वो उसको उसमें मतलब बॉयल करती है और बॉयल करके आप उसको 5 रियाल का एक पैकेट और 10 रियाल का एक पैकेट लेके आप उसको सेल कर सकते हैं। उसके लिए आपको छोटी सी शॉप बनानी पड़ेगी। अगर आप शॉप किसी शॉपिंग मॉल में बनाने में कामयाब हो जाते हैं या किसी भी ऐसे एरिया में बनाने में कामयाब हो जाते हैं जहाँ फैमिली एरिया है, जहाँ स्कूल्स हैं, तो आपकी इसमें बहुत अच्छी इनकम होगी और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 50,000 के भी मतलब नीचे होगी या इसके ही अराउंड में होगी। तो अगर जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं वो इस तरह के 5 या 6 सेटअप अगर खोल ले तो उसको 20,000 या 15,000, 15 से 20,000 की इनकम तो उसके लिए इजी है इस आइडिया के तहत। मैं आपको रेस्टोरेंट या होटल का बिजनेस नहीं बताऊंगा, इस पर मैं पहले ही एक डिटेल वीडियो बना चुका हूं, उसका थंबनेल जो है मैं यहां पे डाल भी रहा हूं, वो आप जो है देख सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं अभी एक जूस कॉर्नर। आप अगर जूस का जो है ना बिजनेस वो स्टार्ट कर लेते हैं तो जूस का एक बिजनेस है जिसमें आप 3 या 4 फ्लेवर रखते हैं और रखने के बाद उसको आप सेल करते हैं। छोटी सी दुकान एक बना लें, छोटा सा बार जूस बार के नाम से बना लें या कुछ भी, तो वो भी आपका अप्रोक्सीमेटली 60 से 70 हज़ार में स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आपने किसी अच्छे एरिया में वो दुकान या लोकेशन ली है तो आप उसमें भी अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा जो अब मैं आपको बिजनेस बताने जा रहा हूँ वो अरब में ख़ास तौर पे वो बिज़नेस बहुत कामयाब है। वो बिज़नेस है हिजाब, वो बिज़नेस है अबाया का बिज़नेस, वो बिज़नेस है यानी बुरके का बिज़नेस। आप बुरके हिजाब अवाए जितने ये आइटम्स हैं ये आप पाकिस्तान से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट करके या इंडिया से मंगवा सकते हैं या वहाँ से कपड़ा मंगवा के यहाँ पे सिलवा के आप यहाँ पे सेल आउट कर सकते हैं। ये बहुत महंगे बिकते हैं जबकि इन पे इन्वेस्टमेंट बहुत कम होती है। अगर आपकी किसी अच्छी शॉपिंग मॉल में या नॉर्मली किसी मार्केट में एक नॉर्मल सी भी दुकान है तो कम से कम सेल पॉइंट में भी आप कम से कम 7 से 8 हज़ार रियाल महीने का कमा सकते हैं। अप्रोक्सीमेट आपकी इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है, अगर 60-70 हज़ार रियाल या 1 लाख रियाल आपने लगाया तो 7-8 हज़ार रियाल आप महीने के आराम से इसमें कमा सकते हैं। और ये बेहतरीन बिजनेस है, साफ सुथरा बिजनेस है। अगर आप कतर में रह रहे हैं, आप कंस्ट्रक्शन में आम वर्कर हैं या आप किसी कंपनी में कोई नॉर्मल सी जॉब कर रहे हैं, तो अगर आप किसी क्लीनिंग कंपनी में हैं और आपके पास एक्सपीरियंस भी है तो आप क्लीनिंग की एक छोटी सी कंपनी बनाएं। और ज़्यादा बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट हैं वो चाहे आपको नहीं भी मिलते, किसी बड़े इदारे में कोई भी आपको क्लीनिंग के प्रोजेक्ट नहीं भी मिलते, आप सिर्फ स्विमिंग पूल की जो क्लीनिंग है इस पर फोकस कर लें और इसके जो काम करने वाले 3 या 4 या 2 या 3 लोग भी अगर आप हायर कर लेते हैं और इसकी सफाई के लिए एक छोटी सी मशीनरी आती है तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है 60 से 70 हज़ार है या इससे भी कम होगी, तो उसमें आप पूल क्लीनिंग का जो बिज़नेस है वो उसके ऊपर फोकस करें तो आपकी इसमें अच्छी खासी कमाई हो सकती है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने काम तो सीख लिया, अब आपने ये काम करते हुए ही ज़िंदगी गुजार देनी है, इसी तरह लेबर या स्किल्ड वर्कर ही रहना है, या किसी ना किसी तरह कुछ भी सरमाया अरेंज करने के बाद आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप बिज़नेस स्टार्ट करने में, बिज़नेस करने में कितना विलिंग हैं। दोस्तों इसके अलावा और भी बहुत सारे बिजनेसेस हैं, जैसे कि आप कार वाश का बिज़नेस यहाँ कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा बिज़नेस है, उस पर थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगती है, 1 लाख रियाल से भी थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है, तो वो आप बिज़नेस कर सकते हैं। कार वाश में अच्छे खासे पैसे हैं। अगर आप सब चीज़ें डिपेंड करती हैं एक अच्छी प्लानिंग पे और अच्छी लोकेशन पे कि आपने कतर में कौन सी जगह पे कैसी लोकेशन में आपने अपने बिज़नेस को इस्टेब्लिश किया है। इसके अलावा आप लॉन्ड्री का बिज़नेस भी कर सकते हैं। आप छोटे पैमाने पे लॉन्ड्री का बिज़नेस शुरू करें और बड़ी लॉन्ड्री जो है वो उसको आप ऑर्डर लेके दिया करें। आप एक छोटी सी दुकान बना लें, दुकान बना के और लॉन्ड्री के वहाँ से आप ऑर्डर लिया करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पीस के आप अगर 3 रियाल में आप एक ऑर्डर लेते हैं किसी भी एक सूट का, तो उसमें आप अपना अगर 1 रियाल का मार्जिन रखते हुए किसी किस्म की मशीनरी लगाए बगैर, कुछ भी किए बगैर, कोई लेबर रखे बगैर, आपने सिर्फ वो कपड़े उठा के एक बड़ी लॉन्ड्री में दे देने हैं, वो आपको धो के दे देंगे, उनके साथ आपने अपना एग्रीमेंट रखना है, वो आपको धो के रेडी करके दे देंगे और आपने वापस कस्टमर को दे देने हैं।
एक रियाल का मार्जिन भी अगर हो तो आप डेली के अगर आपके एक अच्छे कस्टमर आप बनाने में कामयाब हो जाएं तो आप मंथली कैलकुलेट करते हुए भी कम से कम 7-8 हज़ार रियाल कमा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपको इस काम का एक्सपीरियंस कितना है। और दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आज के जितने भी आइडियाज़ मैंने आपके साथ शेयर किए हैं आप लोगों को पसंद आए होंगे। दोस्तों इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं फिर ऐसी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।